सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियों के वल। जित तो बाद पीएम नू मिले सीएम सैनी, नवी सरकार के गठन नू लेके की चर्चा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नाल भी की मुलाकात। सुखबीर बादल ते लगे श्री अकाल तख्त साहब तो जारी हुक्मनामे की उलंघना के दोष। सुखबीर बादल दियां धरने च शामिल होने दियां तस्वीरां आईयां सामने, श्रोमणी कमेटी मैंबरां ने जताया इतराज। पंजाब च 15 अक्टूबर नूं सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहणगे स्कूल कॉलेज ते दफ्तर, पंचायती चोणां करके की गई है छुट्टी। हरियाणा च सत्ताधारी पार्टी भाजपा की लगातार जित तो एक दिन बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की है। दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात बारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल शिष्टाचार मुलाकात सी, मैं उन्होंने हरियाणा में मिली वड्डी जित बारे दस्सिया। उन्होंने दस्सिया कि हरियाणा के लोग उन्होंने बेहद प्यार करते हैं, तो यह नतीजा है कि हरियाणा च तीजी बार डबल इंजन की सरकार बनन जा रही है। मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर के आगुआ ने सुखबीर सिंह बादल ते अपने सियासी मुफादा लिए श्री अकाल तख्त साहब तो जारी हुक्मनामे की घोर उलंघना करन दा दोष लाया। मनजीत सिंह, इंद्रमोहन सिंह, लखमीर वाला, जसवंत सिंह पुड़ैन, मलकीत कौर कमालपुर ते तीन एग्जैक्टिव मैंबर सतविंदर सिंह टौड़ा सने श्रोमणी कमेटी मैंबरां ने कहा कि जदों अचानक उन्होंने सामने सुखबीर बादल दी एक धरने च शामिल होने दी तस्वीरां सामने आईं तो उन्होंने बेहद दुख होया। उन्होंने साबित किया कि उन्होंने मीरी पीरी के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है। उत्थे श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि सुखबीर बादल ने लोकतंत्र के हुंदे घाण विरुद्ध ते जनतक हितों की राखी लई श्री मुक्तसर साहिब विखे एक धरने च शमूलियत की सी। पंजाब सरकार वालों 15 अक्टूबर नूं सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। दरअसल पंजाब के अंदर 15 अक्टूबर नूं पंचायती चोणां होण जा रही ने, जिस दे संबंध में सरकार वालों सूबे के अंदर 15 अक्टूबर की छुट्टी ऐलानी है, जिस दौरान सारे स्कूल कॉलेज के दफ्तर बंद रहेंगे। त्योहारी सीजन ते पंचायती चोणां दे मद्देनज़र लुधियाणा दे बस स्टैंड विखे ADGP गुरप्रीत कौर दियो ते पुलिस कमिश्नर लुधियाणा कुलदीप चाहल दी अगवाई हेठ सांझा सर्च अभियान चलाया गया। पत्रकारां नाल गल करदियां ADGP गुरप्रीत कौर दियो ने दस्सिया कि जदों भी त्योहारी सीजन आउंदे ने उदों ही पंजाब पुलिस वल्लों महानगर लुधियाणा विच अमन शांति बनाए रखण लई सर्च अभियान चलाया जाण, जिस च शक्की व्यक्तियां दे शक्की वस्तुआं दी जांच कीती जांदी है। DGP साहब गौरव यादव साहब की हिदायत से इतने लुधियाना कमिश्नरेट पहुंची हैं। सारे स्टेट विच आज कासो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिदे विच सीनियर ऑफिसर्स, स्पेशल DGP, एडिशन DG और IG रैंक के ऑफिसर्स,
ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੀਂਗ ਦੀ ਹੱਬ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੈਸੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇਸੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੈਸੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ SD ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਨਵਨੀਤ ਵਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ OSD ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ। BJP ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। BJP ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਲੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 1 ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੌਸਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 1.79% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1115 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 853 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1025 ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 926 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਵੀ ਸੀਟ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। 36 ਸਾਲਾ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2008 'ਚ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰਸਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਸਮਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਾਟੀ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੋਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।
ऑपोजिशन हो या सरकार में बैठे वो लोग हों, आप देख लीजिए एक नौजवान है, एक आम आदमी पार्टी का अकेला शख्स खिताई चनाब से जीत कर आता है, साफ मैसेज है मजलूमों का टोला बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे दफ्तरों में धक्के खाते थे, उन पे तुम्हारा जबर चलता था, अब जुल्म की इंतहा खत्म हो गई है, अब इंसाफ होगा, अगर तुमने कोई गलती की, कोई भी गलती की, तो उसका जवाब पूरी ताकत से होगा, उन लोगों को एहसास हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो मुझसे उम्मीद बेहतरी की मत करना, अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, अब मत माहौल में सुधार आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी, सुन लीजिए, हॉस्टल के अंदर डॉक्टर होगा, स्कूल बेहतर बनेंगे, बिजली का निजाम बेहतर होगा, सड़क में ब्लैक टॉप होगा तो बेहतर होगा, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनेगी तो आवाम की बेहतरी के लिए बनेगी। बीजेपी आगू तरुण चुग का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हरियाणा ते जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस नूं पूरी तरह इन चोणां दे विच नकार दिता है। जनता द्वारा कांग्रेस की भय व भ्रम की धोखाधड़ी की राहुल गांधी की दुकान को पूरी तरह से नकारा है, इसीलिए पूरी तरह से हारने के बाद घबराहट में, बौखलाहट में, तिल मिलाहट में राहुल गांधी व कांग्रेस ऐसी बयानबाजी करते हैं। तीसरी बार भी हरियाणा की जनता ने डबल इंजन की किसान, युवा, महिला व गरीबों के मसीहा वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर मोहर लगाकर पूर्ण जनादेश दिया है। जनता ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा की जलेबी लूटने वाले, एससी ओबीसी पर अत्याचार करने वाले, लूट कसूट करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर रहे और नहीं करेंगे। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी अपनी फिल्मां ते फिटनेस नूं लैके सुर्खियां च बनी रहिंदी है, पर इस समय वह कानूनी मामले नूं लैके चर्चा का हिस्सा बन गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की सीजीएम अदालत में शिल्पा शेट्टी खिलाफ केस दर्ज किया गया। शिल्पा के नाल इस चार होर लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। एडवोकेट सुधीर ओजा ने शिल्पा ते चार होर लोगों खिलाफ यह मामला दर्ज कराया। हुण इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर नूं होएगी। हालांकि शिल्पा खिलाफ यह कार्रवाई क्यों की गई वह काफ़ी हैरानीजनक है। जेकर पूरे मामले की गल करिए मुजफ्फरपुर के कलाम बाग चौंक नेड़े कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का उद्घाटन होना से जिथे अदाकारा मुख मेहमान वजो सद्या गया। जिवें ही शिल्पा के आने की खबर मिली तो उत्थे लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। चो नतीजा ने साबित कर दिता है कि किसान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी नीतियां तो खुश ने। शब्द भाजपा आगुआ ने जित की खुशी मनाद हुए कहे। भाजपा मंडल गुरदासपुर वालों हरियाणा विच भाजपा नूं पूर्ण बहुमत मिलन ते जम्मू कश्मीर विच भी 25 सीटां आने की खुशी विच आतिशबाजी की ते लड्डू वंडे गए। गीता भवन रोड स्थित दफ्तर विखे मनाए गए जश्न च भाजपा दी महिला आगू भी शामिल हुई। मंडल प्रधान प्रवीन कुमार ते नौजवान आगू अंकुश महाजन ने कहा कि एग्जिट पोल नूं एग्जैक्ट पोल ने झूठा साबित किया है ते हरियाणा लोगों ने भाजपा नूं जिता के साबित किया है कि हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी नीतियां तो खुश है। ते पुछे जाने कि जम्मू कश्मीर च हार दा सामना करना पिया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर च पिछली वार नालों 4 सीटां वध ही आईयां ने। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर श्री उमा शंकर गुप्ता ने कहा कि झोने की फसल का एक एक दाणा खरीदया जाएगा ते किसानां नूं मंडियां च कोई मुश्किल नहीं आउण दित्ती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर दाणा मंडी गुरदासपुर विखे पहुंचे ते किसान सुखदेव सिंह वासी रामनगर की पनग्रेन की फड़ ते ढेरी की बोली करवा के खरीद शुरू कराई है। इस तों पहलां भी डिप्टी कमिश्नर वालों दाणा मंडी कानूवान ते जोड़ा छतरां विखे झोने की सरकारी खरीद शुरू करवाई जा चुकी है। गल करदे आ डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसानां नूं मंडियां च कोई मुश्किल नहीं आउण दित्ती जाएगी ते झोने की खरीदना संबंधित किसी भी धिर किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों दहूलत का भी मंडी विच खास ध्यान रखा। छतरी मंडी च गए थे बटाला च भी अच्छे दसिया डी एफ सी साहब ने कि प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है तो बड़ी खुशी की गल है कि सारे जड़ी आढ़ती एसोसीएशन ने भी हड़ताल खत्म करती है तो राइस मिलर्स ने भी उन्होंने भी अपनी अलोटमेंट उन्होंने हो गई ने फाइल्स सबमिट हो गई। मैनूं पूरी उम्मीद है कि यह काम बड़ा स्मूथ चलेगा, किसी भी किसान असी कोई दिक्कत नहीं आन देवांगे।
जिन्ना भी झोना साढ़े को अज तक आया वो प्रोक्योरमेंट असं कर ली गई है। जो अज आया ये भी मैं देखा थोड़े सामने कि बड़ा साफ सुथरा तो सुखा झोना आ रहे हैं, तो यही साड़ी सारे फार्मर्स में भी अपील सी कि सुखा झोना लैके आओ ता कि उन्होंने आंदा ही खरीद हो जाए तो राइस मिलर में भी कोई दिक्कत ना हो तो उन्हों की पेमेंट भी नाल दी नाल होगी। सरपंची चोणा का दौर चल रहा है तो इसे दौर के चलदे बटाला विखे एको पिंड दीआं दो धिरां चोण निशान लैण पहुंचियां होईआं सी जिथे उन्हां दी आपस च बहसबाजी हो गई है, जिस तों बाद शरे बाजार च थाने दे सामने एक दूजे दीआं गड्डियां भन दित्तीआं गईआं। दोहे धिरां पिंड बालेवाल नाल संबंधित सन ते जेकर घटना दे सामने पैंदे पुलिस थाने दी पुलिस मौके ते ना पहुंचदी तां दोहां धिरां दा वड्डा नुकसान हो सकदा सी, पर फिर भी दोहां धिरां दे तीन लोग जख्मी होए ने। इस घटना नूं लै के दोवें धिरां एक दूजे ते आरोप लगाउंदीआं नजर आईआं। उन्हां दा कहिणा कि मौजूदा सरकार की पार्टी ना संबंधित ने एक पार्टी की मौजूदा पिंड की सरपंच हरजीत कौर ते मनिंदर सिंह का कहना है कि चोन निशान लैण लई ITI बटाला विखे गए हुए थे, उत्थे भी दूजी धिर के लोग बहस पे थे, हुण पिछे गड्डियां लगा के उन्हां ते हमला किया। दूजे पासे फिलहाल पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलन नूं तैयार नहीं ने। थाना गेट हकीमा दी नौंदी चौंकी गुरबख्श नगर के मुलाजमान वालों तड़कसार चैकिंग के लिए एक नाका लगाया गया सी ते नाके दौरान कुछ शक्की व्यक्ति मुलाजमान नूं वेख के मोटरसाइकिल भजा के दौड़न लगे तो पुलिस मुलाजमान वालों उन्हां दा पिछा करके रस्ते दो शक्की व्यक्तियों फड़ के उन्हां दी तलाशी ले गई। तलाशी के दौरान मुलाजमान का कहना है कि इस लड़के से पहला भी कवारागर्दी का परचा दर्ज है। मुलाजमान वालों कहा गया कि अज सवेरे उन्होंने वालों नवाकोट के बाहर नाका लगाया गया से, दोनों नौजवान उन्होंने वेखते ही उतों मोटरसाइकिल भजाने लगे तो इन्हों का पिछा करके इन्हों काबू कर लिया गया। हुण तलाशी दौरान पूछगिछ तो बाद जो भी इन्हां ते बनदी कार्रवाई है वह की जाएगी। त्यौहारां ते पंचायती चोणां नूं लै के धारीवाल पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। लगातार वख-वख पिंडां दे विच SHO थाणा धारीवाल इंस्पैक्टर मैडम बलजीत कौर वल्लों फ्लैग मार्च कढ़े जा रहे ने। खास तौर ते पिंडां च जाके SHO बलजीत कौर वल्लों औरतां दे नाल चोणां ते पिंडां दे माहौल संबंधी विचार वटांदरा किया जा रहा है ते औरतां नूं अपना मोबाइल नंबर भी दिता जा रहा है कि जेकर किते भी कोई पिंड च हुल्लड़बाजी करदा है तां औरतां पुलिस नूं जरूर सूचित करन। SHO थाणा धारीवाल मैडम बलजीत कौर ने कहा कि मानयोग SSP साहब गुरदासपुर दीआं सख्त हदायतां समुचे पिंडां ते शहर धारीवाल च जिथे भी वख-वख रामलीला दे आयोजन चल रहे ने पुलिस वालों लगातार सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध किए गए ने। उन्हां हुल्लड़बाजां नूं चेतावनी दिंदिया कहा कि उन्हां दे हाथ विच डांग ते जेकर किसी ने भी पुलिस थाणा धारीवाल दी हद च कोई लड़ाई झगड़ा जां कोई गैर कानूनी काम किया तां उस नूं डांग फेरन तों गुरेज नहीं करनगे। जिला अमृतसर हलका राजा सांसी के पिंड कमासके विखे पंचायती चोणों नूं लैके हुई तकरार चलियां गोलियां च अज एक होर व्यक्ति की जेरे इलाज मौत हो गई है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया पिंड वासी सुखविंदर सिंह ने दस्सिया कि बीते दिन पिंड कमासके विखे पंचायती चोणों की रंजिश नूं लैके आप दे धड़े वालों कांग्रेस के धड़े ते अन्नाधुंद गोलियां चलाउणियां शुरू कीतियां गईयां सी, जिस च कांग्रेस के धड़े की औरत कुलदीप कौर की मौत हो गई सी। प्रेम सिंह ते भी गोलियां के छर्रे वजन नाल उह गंभीर जख्मी हो गया सी, जिस तों बाद शमशेर सिंह गुरु नानक हस्पताल विखे भर्ती कराया गया। अज 7 दिन जिंदगी ते मौत दी लड़ाई लड़दिया प्रेम सिंह की मौत हो गई है। इस मौके ते सुखविंदर सिंह ने उन्होंने दोषियों नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार करन दी मांग की। बटाला के नज़दीकी पिंड रसूलपुर के रहने वाले 7 साल गुरसेवक सिंह नूं कुत्तियां दे झुंड ने उस वेले गंभीर जख्मी किया जदों गुरसेवक सिंह अपने घरों बाहर पिंड च खेडण लई गया होया सी। गुरसेवक सिंह ते कुत्तियां ने हमला करदे होए कई जगह तो उसनूं वढ खाया। गुरसेवक सिंह नूं लोकां दी मदद नाल निजी हस्पताल विखे इलाज लई भर्ती करवाया गया। घटना बारे दसदे होए गुरसेवक की बुजुर्ग दादी सुरिंदर कौर ते दादा रवेल सिंह ने दस्सिया कि गुरसेवक के पिता ते चाचे की मौत हो चुकी है ते गुरसेवक की मां छड्ड के उन्हां नूं जा चुकी है ते बुजुर्ग दादे दादी दा पोतरा गुरसेवक सिंह इकलौता सहारा है ते उसनू पालन लई दादी लोकां दे घरां च कामकाज करदी है ते दादा TB दा मरीज है, वह भी बीमार रहिंदा। उन्हां कहा कि जदों
गुरसेवक कुत्तियां दे हमले नाल जख्मी होए ते कुछ डाक्टरां ने जवाब दिता, लेकिन फिर भी उन्होंने इलाज लिए हस्पताल दे विच उसनू भर्ती कराया, जिथे हुण उसका इलाज चल रहा है, लेकिन हालात बुरे होने कारण हुण उह इलाज का खर्चा नहीं चक पा रहे। उन्होंने कहा कि पोतरे के इलाज लिए उन्हां दी मदद की जाए ताकि अपने पोतरे के सहारे अपनी रहिंदी जिंदगी बतीत कर सकन। ते साडे वल्लों भी चैनल के माध्यम राही दर्शकों नू बेनती की जाती है कि जो भी स्क्रीन ते नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन्हां नंबरां ते फोन करके इस परिवार की मदद की जाए। एक तो झोने च बह गया, नहीं वेखे इन ठेडा लग गया पैर, कुत्ते बैठे कुत्तिया ने इनू फट लिया। हाँ जी, बहुत जख्मी होया वा, सिरे दे 100 टंका सिर च वा, ते तां अजे पता नहीं गा किन्ना टंका। वेखण वाले डॉक्टर उन्होंने दस्या भी इन ना ही खड़न की कोई कम नहीं आ, एकदम मुद्दा पिया, कहते पूरा हो गया वा। तो एक पिंड का डॉक्टर आया, उन्हें मुँह च पानी पाया, वो कहिंदा नहीं अजे तो शरीर भी गर्म है, हाथ भी हिलाउन दिया, तेनू चुक के लै जाओ। फिर बटाले खड़िया, उत्थों भी जवाब हो गया, फिर साढ़े उरे 5 ग्राई लिया, उत्थे भी जवाब हो गया, फिर इतने लिया, फिर इतों इन्होंने इलाज शुरू करता मेरे पुत का। हुण नज़र मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है, नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।